शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश कराने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित चार दरवाजे बनाए, उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पत्थर मृतक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है, जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदार्च। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप चार रंगों से सुशोभित सर्वोत्र भद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस स्थिति में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेकों जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णिमासी में एक साप पत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न हो। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय का भी दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इससे पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते। श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।